गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर फोर द कोस्टल प्लेन्स एंड द आइलैंड्स। ओके, आपका ये कंप्लीट हो चुका था। आज हम लोग इसमें क्वेश्चन आंसर को उसको देखेंगे और बाकी आपका जो बुक वर्क था वो मैंने आप लोगों को सेंड कर दिया था, आप लोगों ने अपने अपने बुक में लिख लिया होगा ना। और ये चैप्टर सिक्स है, इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोग देखेंगे, मैंने पूरा आपको बोर्ड में मैं लिख दे रही हूँ, आप लोग उसको देखिए, देख के अच्छे से अपने अपनी फिर कॉपी में लिखेंगे, फेयर कॉपी में। ठीक है, पेज नंबर 225 का फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज चेन्नई फेमस फॉर। ये आपका है फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज चेन्नई फेमस फॉर, चेन्नई हम फेमस क्यों है। तो ये आपका है आंसर, देखेंगे फेमस एज द बिगेस्ट कल्चरल एंड इकोनॉमिक सेंटर, द सिटी हाउसेज सेवरल हिंदू टेम्पल्स, टेम्पल्स के बाद कॉमा लगाएंगे, टेम्पल्स चर्चेस एंड म्यूजियम्स, म्यूजियम्स फिर उसके बाद म्यूजियम के बाद फुल स्टॉप, वाइट सैंड बीचेस टू माउथ वाटरिंग सी फूड, यहाँ पर आप लोग फुल स्टॉप लगाएंगे। चेन्नई हैज़ ए एवरीथिंग फॉर ट्रेवलर्स, ओके ये हुआ यहाँ तक आपका, ट्रेवलर्स के बाद आपको कॉमा लगाना है, फुल स्टॉप करना है। नेक्स्ट है आपका सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ बॉम्बे हाई, जो आपका बॉम्बे हाई है ये इम्पॉर्टेंट क्यों है। तो इसमें देखेंगे आंसर, बॉम्बे हाई हैज़ ए स्ट्रिंग ऑफ ऑयल एंड गैस, क्यों इम्पॉर्टेंट है बॉम्बे हाई का, ये आपका है ऑयल और गैस के लिए, गैस रिग्स इन द सी कॉमा दैट पम्प्स ऑयल टू द कोस्ट फुल स्टॉप, इट प्रोड्यूस 14% फोर्टीन परसेंट इंडिया ऑयल रिक्वायरमेंट्स एंड अकाउंट्स फॉर 38% ऑफ ऑल डोमेस्टिक प्रोडक्शन। बॉम्बे हाई हमारा क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर हम क्या होता है आपका ऑयल निकलता है, ऑयल जो कि हमारे इंडिया में प्रोड्यूस होता है कितना 14% इंडिया में, रिक्वायरमेंट्स एंड अकाउंट्स फॉर 38% ऑफ ऑल डोमेस्टिक प्रोडक्शन। डोमेस्टिक प्रोडक्शन मतलब आपका जो इसमें ऑयल भी आएगा और आपका गैस, ये सब मिला के आपका बॉम्बे हाई से कितना प्रोडक्शन होता है हमारा 38% ऑयल और गैस के लिए, ये बॉम्बे हाई हमारा क्या है इम्पॉर्टेंट है। और जो फर्स्ट है चेन्नई फेमस, ये फेमस क्यों है, यहाँ पर जो आपका चेन्नई है यहाँ आपका खूब बड़े बड़े टेम्पल्स हैं, हिंदू टेम्पल्स है, यहाँ का जो इकोनॉमिक कल्चरल है ये बहुत अच्छा है, सेंटर है ये, चर्चेज हैं, म्यूजियम है, और जो वहाँ के बीचेस हैं, वहाँ जब वो बीच में जब आप देखोगे या फिर कभी जाओगे तो देखना, वहाँ जब सूर्य की रोशनी पड़ती है रेत पे वाइट सैंड, तो वो क्या है बहुत ज़्यादा चमकने लगता है। और वहाँ का फूड है सी फूड, जो समुद्री भोजन मतलब मछलियाँ हैं, और भी वहाँ के लोग बहुत सारी चीज़ों को खाते हैं, सी फूड मतलब वाटर के जो हैं पानी वाले, तो वो सब है। और यहाँ पर इसी कारण यहाँ लोग ज़्यादातर ट्रेवलर्स क्या है यहाँ आके घूमने आते हैं, और यही इसका मेन कारण है। ओके,